हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। भाई साहब थोड़ा नाश्ता किया अभी यार, आखिरी बुकिंग समझ लो करके अभी नाश्ता किया हूँ मैं। और इस टाइम मैं हूँ लोअर परेल, जैसा कि आप लोग देख रहे हो पीछे सेंचुरी मिल वाला रास्ता गया है। और यहाँ से अभी दादर स्टेशन होते हुए अपन निकल जाएंगे ईस्टर्न एक्सप्रेस होते हुए घर पे। फ्रेंड्स थोड़ा सा अब आ रहा है कि नहीं पब्लिक कैमरे में। तो बुकिंग्स की बात करें तो फ्रेंड्स उबर में मैंने किए हैं 5 बुकिंग और एक बुकिंग रैपिडो का जबरदस्त फेयर का उठाया था मैं कल्याण स्टेशन से। आज बुकिंग लिया, बहुत महीनों के बाद कल्याण स्टेशन से बुकिंग लिया मैंने। और जो टोटल काम हुआ इस तरह से आज जबरदस्त काम हो गया। उबर का 5 बुकिंग में से तो 2 मैंने रिजर्वेशन बुकिंग लिया और 1 रिजर्वेशन बुकिंग मैंने कैंसिल किया, टाइम पे पहुंच नहीं सकता था। 2 रिजर्वेशन बुकिंग और 1 रिजर्वेशन बुकिंग उबर ने कैंसिल कर दिया बिकॉज 5 मिनट में लेट पहुंचने वाला था लोकेशन पे। हालांकि मैंने खींच खाच के लोकेशन पे टाइमली पहुंच गया था लेकिन उबर ने ऑलरेडी वो किसी और को ट्रांसफर कर दिया था, मेरा जबरदस्त फेयर वाला था। खैर कोई बात नहीं, उसके बदले दूसरा मिला, अच्छा मिला और बढ़िया मिला मेरा। तो फ्रेंड्स आज का जो काम रहा अपना अच्छा खासा रहा। हाय 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 मेरे पास हाय हाय। तो वो भाई वो जाली बेचते ना खिड़की पे, वो बेचने वाला था स्टैंड वगैरह सिग्नल पे। तो काम की बातें करें तो जैसा कि मैंने बता दिया तो काम ठीक ठाक है। आज भाई अभी जाके अपन उटिंग वगैरह देके आ जाए जरा आप। और टाइम जो हो रहा है अभी फ्रेंड 10 बज रहा है, यानी मैं यहाँ से 25 मिनट में घर पे पहुंच जाऊंगा और हो सके वोटिंग देते हुए मैं घर से सीधा घर पे निकल जाऊंगा। पावती नहीं लिया हूँ, पावती तो वहां मिल जाएगा, कैंप लगा के बैठे हैं सब पार्टी वाला, उनसे जाके पावती निकलवा लूंगा अपना, उसके बाद मैं सीधा निकल जाऊंगा भाई। तो चलो बुकिंग की बात करते हैं आज किस तरह से क्या बुकिंग था। आराम से निकला भाई, एकदम मस्त में सो के खाना पीना खा के 12 बजे सुकून में, भाई एकदम सुकून में निकलता हूँ 12 बजे सुकून से निकला मैं। और एयरपोर्ट पे जाके 1 बजे पहली बुकिंग लेता हूँ मैं और वो बुकिंग मैंने घनसोली का उठाया उबर का। 426.45 रुपया टोल, 23 किलोमीटर था। पैसेंजर को घनसोली ड्रॉप किया, 2-3 बुकिंग बजा एक्सेप्ट किया लेकिन चले गया। हालांकि उसके बाद फिर रिजर्वेशन 2-3 बुकिंग, 2 बुकिंग रिजर्वेशन मैंने उठा के घनसोली में रख लिया। उसके बाद मुझे एक बुकिंग फिर कल्याण स्टेशन का घनसोली से रात में जबरदस्त सर्च के साथ बचता है और उसी के हिसाब से मेरा एक बुकिंग जो कैंसिल हो गया भाई। पैसेंजर 15-20 मिनट पैसेंजर आने में लगा दिया, हालांकि 40 रुपए वेटिंग चार्ज भी मिला, लेकिन दूसरा जो बुकिंग था मेरा 3:40 का वो मिस हो गया फ्रेंड। 4:40 का, 3:35 की बुकिंग थी, पैसेंजर आता है करीब समझो 4 बजे निकला मैं और 5 मिनट डिले की वजह से मेरा एक रिजर्वेशन बुकिंग गया। तो घनसोली से जो बुकिंग था ना वो कल्याण स्टेशन का फ्रेंड 25 किलोमीटर का 422 रुपया मिला मुझे रात में। पैसेंजर को मैंने ड्रॉप किया और फिर वहीं से रैपिडो ऑन करता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है रैपिडो की बुकिंग अच्छी खासी कल्याण में। तो रैपिडो का बुकिंग धड़ाधड़ बजा था, सर्च भर रहा था रात में, सर्च कल्याण स्टेशन पर डिमांड चल रहा था। जब मैं ना डोंबिवली था ना 20 किलोमीटर पहले तभी से बज रहा है, 25 मिनट पहले तभी से बजते जा रहा है सब, 1.3 1.6 और 1.8 तक बज रहा था। 8 किलोमीटर का 300 रुपए का बुकिंग बज रहा था कल्याण स्टेशन से। मैंने बोला भाई 25 मिनट जाने में लगे कस्टमर तो कैंसिल मार देगा, उठाया नहीं मैंने बुकिंग। तो उसके बाद रैपिडो का जो मैंने बुकिंग उठाया था थाने का उठाया था, थाना कुलसेट का उठाया था मैंने, कुलसेट लोधा नहीं, लोधा का नहीं उठाया था, थाना का ही उठाया था। पर और कुलसेट का तो फिर रिजर्वेशन बुकिंग लिया था ना, वो कुलसेट से मैंने पूरा किया। तो थाना मैंने रैपिडो से पैसेंजर को ड्रॉप किया 481 रुपया 28 किलोमीटर का। तो पैसेंजर ने दिया 500 रुपया, तो 500 रुपए का काम होता हुआ रैपिडो में, कोई कमीशन नहीं कुछ नहीं, पूरा का पूरा अपना 28 किलोमीटर का 500 यहाँ पे रैपिडो ने दिया भाई साहब। तो रिजर्वेशन बुकिंग वहां से जो उठाया था मैं फ्रेंड डोंबिवली वेस्ट का उठाया था, तो डोंबिवली वेस्ट भी पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया मैंने, 396 रुपया मिला मुझे। क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया, हाथ उत क्यों दिखा रहे हो? 396 रुपया मुझे पैसेंजर को मिला। दादर वाला वैधव ब्रिज आ गया, प्रभा देवी स्टेशन गया तो 396 रुपया मिला, पैसेंजर को ड्रॉप किया। वैसे मैंने एक रिजर्वेशन बुकिंग ले लिया था डोंबिवली से फिर से थाना का 525 रुपया 28 किलोमीटर का, लेकिन वो 8:30 बजे का था। और उतने में मुझे दहिसर का एक बुकिंग बेचता है 40 किलोमीटर का 500 रुपया, 450 रुपया, मतलब जहां 28 किलोमीटर का मुझे 525 का रिजर्वेशन था वो मैंने कैंसिल करके ये दहिसर वाला बुकिंग लाया, क्योंकि भाई वहां वेट करना पड़ता था करीब 1.5 घंटा।
बोला इससे अच्छा दहीसर वाला बुकिंग लेके चलता हूँ, हो सके वहां से और अच्छा खासा मिल जाए। तो दहीसर वाला बुकिंग मैंने कंप्लीट किया, टोल वोल के साथ 525 रुपया मुझे मिला है। दहीसर ड्रॉप करने से, ड्रॉप करते ही ना मुझे एक रिजर्वेशन बुकिंग आ गई। आजकल उबर जो रिजर्वेशन बुकिंग करता है ना फ्रेंड, उसी को रिजर्वेशन बुकिंग देता है, और मुझे रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन अभी भी आ रहा है फट्टा। वो भी नोटिफिकेशन देता है मुझे रिजर्वेशन बुकिंग की, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें अपॉर्चुनिटी में जाके देखना पड़ता, नहीं, डायरेक्ट नोटिफिकेशन, डायरेक्ट जैसे बजाता है ना बुकिंग, वैसे मुझे बजाता है रिजर्वेशन बुकिंग, चाहे 8 घंटे बाद का हो चाहे 4 घंटे बाद का हो। तो धड़ाधड़ मुझे बहुत रिजर्वेशन बुकिंग आती है फ्रेंड्स, अभी जब से मैं रिजर्वेशन बुकिंग प्रॉपर उबर का करने लगा। तो रिजर्वेशन बुकिंग जो था मीरा रोड से 8:45 पे था, हालांकि पैसेंजर आते आते 9। रिजर्वेशन बुकिंग में भाई डिले हो जाता है 15-20 मिनट ना, पैसेंजर तो डिले करता ही करता है, ये भी याद रखो आप लोग। 8:45 का था, ऑलमोस्ट 9 बजे पैसेंजर निकला लोअर परेल, जो मैं अभी ड्रॉप करके आ रहा हूँ। कितना किलोमीटर था फ्रेंड्स देख लेता हूँ, 45 रुपया टोल के साथ 750 रुपया मुझे मिला है 36 किलोमीटर का, छुट्टी के दिन फ्रेंड्स, डबल ऑलमोस्ट 20 रुपया किलोमीटर। तो ये कमाल है इसका रिजर्वेशन बुकिंग का। तो इस तरह से 5 बुकिंग मैंने ओला में बता दिया, 2500 का उबर में, सॉरी ओला में तो एक भी बुकिंग नहीं किया। ओला की कहानी बताता हूँ, जब मैं रैपिडो की बुकिंग कल्याण स्टेशन से उठाया था ना, बोला यार कल्याण स्टेशन ढूंढना उड़ना पड़ेगा, ओला ऑनलाइन था, एक बज गया मुझे एयरपोर्ट 730 रुपए में, उठा के रख लिया मैंने। मैंने बोला अगर पैसेंजर थाना वाला नहीं मिलती, कल्याण स्टेशन वाला नहीं आता है तो इसको लेके जाएंगे T2। तो 40 किलोमीटर का 700 बहुत अच्छा बजा था, लेकिन मैंने उसे कैंसिल करके रैपिडो वाला ले जाना अच्छा समझा, क्योंकि T2 जाने के बाद फिर वहां से बुकिंग्स नहीं मिलती, जो मिलती तो लो फेयर का मिलता, टाइम वेस्ट हो जाता। इससे अच्छा मैं थाना गया, थाना से फिर मैं जानता था अगर वहां भी T2 मिला तो मेरा फायदा है, या कोई और बुकिंग मिला तो मेरा फायदा है। तो इस तरह मैंने प्रायोरिटी वो 700 रुपए वाली को ना देकर 500 रुपए वाले रैपिडो को दिया भाई प्रायोरिटी, और उसका फायदा भी हुआ। तो जो तुम्हारे भाई ने काम किया उबर में 2500 और रैपिडो में एक बुकिंग 500 रुपया, 3000 का काम कर लिया तुम्हारे भाई ने। और जो गाड़ी चला लिया हूं मैं घर पहुंचने तक, अभी तक 200 किलोमीटर गाड़ी चला लिया हूं, अब 10 किलोमीटर घर है फ्रेंड्स। तो इस तरह से 210 किलोमीटर टोटल आज मैंने गाड़ी चलाया है, खाली आना जाना जो भी, एयरपोर्ट पे पहले खाली ही गया था, तो 210 किलोमीटर गाड़ी चलाया हूँ। तो जो CNG गई होगी फ्रेंड्स वो आज अच्छी खासी, बहुत ही कम CNG, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक तो है नहीं, एक CNG में 210 मतलब 600 रुपए में, एक टैंक 610 रुपए में मुझे जो गाड़ी चली है वो 210 किलोमीटर, और जो काम हुआ है 3000 रुपए का हुआ है फ्रेंड्स। और अभी अपन खाली घर निकल रहे हैं, बुकिंग्स आएगी तो भी उठा लेते थे, लेकिन चेंबूर वगैरह का बुकिंग आया नहीं तो इसलिए मैंने उठाया नहीं। बुकिंग्स आई थी दो, मुझे दो बुकिंग जो आई थी, एक आई थी फोर्ट की और एक आई थी नरीमन पॉइंट की, तो मैंने नहीं उठाया क्योंकि लो फेयर था यार, अच्छा फेयर मिलता तो उठा भी लेते थे, तो नहीं उठाया। अब चलते हैं घर पे, यही था आज का ब्लॉग फ्रेंड्स। और बुकिंग की बात तो मैंने एक एक बुकिंग का डिटेल आप लोग को दे दिया और कैसे क्या काम हुआ, तो 3000 का काम अच्छा हुआ है, आजकल काम ठीक ठाक हो रहा है फ्रेंड, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, खराब काम नहीं हो रहा है, खराब काम अपन नहीं बोलते, अपन 1500 के काम को भी अच्छा काम बोल के निकलते, क्या बोलते जनता। तो भाई अपने जो ड्राइवर भाई लोग हैं भाई, वो निराश नहीं होना, अगर आप लोग काम नहीं कर पा रहे हो या आपका काम नहीं हो रहा है तो देखो मैं आप लोग को एक सलाह देता हूँ, टाइमिंग में थोड़ा चेंजेस करो। मान लो आप अपने टाइम से निकलते हो, आपका फायदा नहीं हो रहा, तो आप टाइमिंग चेंज करो। मैं एक बेस्ट टाइम आपको बताता हूँ, अगर काम नहीं आप कर पा रहे हो तो आप शाम को 7 बजे घर से निकलो, पहली बुकिंग ऑलमोस्ट 7 बजे ले लो अगर आप मुंबई में हो तो, उसके बाद 7 से 12 आप मुंबई के अंदर ही रहो, मुंबई के अंदर का बुकिंग आप 7 से 12 करो, उसके बाद 12 बजे के आसपास आपको एक अच्छी सर्च बुकिंग अगर मिलता है ना आउट ऑफ मुंबई का, तो आप उठा लो और ले जाओ वहाँ पे और 2-4 घंटा आराम करो, और सुबह एक फिर से बुकिंग लाओ, आपका यहाँ पे 2500 रुपए का भाई काम आराम से हो जाएगा। ये टेक्निक आप लोग यूज करो। हालांकि अगर आप 7 बजे निकलते हो ना फ्रेंड्स, तो आपके रात के 2 बजे तक 2500 रुपए तक का आप काम कर सकते हो, 2 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट ये समझो 7 घंटे में आप 2500 रुपए तक का काम कर सकते हो अगर 7 बजे निकलते हो, क्योंकि आपको सर्च बुकिंग अच्छी खासी मिल जाएगी, 3-4 बुकिंग तो आप सर्च में मार दोगे तो आपको अच्छा खासा पैसा वहां पे दिख के आ जाएगा। और फिर वही रात में छोटे छोटे मारते रहना भाई, छोटे बुकिंग में क्या है आपको रात में फायदा रहेगा, जैसे मान लो 4-5 किलोमीटर का आपको 150 रुपया मिलेगा, 120 मिलेगा, वो मारते रहो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी 20 किलोमीटर की आप ड्राइव करोगे तो 230 रुपया मिलेगा, तो इससे अच्छा 4-5 किलोमीटर का छोटा मार के 150 रुपया वसूल लो,
चलो जनता आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त। बूम बाम।